नमस्कार, आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम कक्षा तृतीय विषय गणित प्रश्नावली दो कर रहे हैं। इससे पूर्व प्रश्नावली दो में हमने 6 प्रश्न किए थे, आज हम प्रश्न 7 कर रहे हैं। इस प्रश्नावली में जोड़ सीखे, संख्याओं की जोड़, दो अंकों की जोड़, तीन अंकों की जोड़, ऐसे जोड़ सीख रहे हैं। तो इसमें हमारा 7वां प्रश्न है, विद्यालय में 25 बालक वे 47 बालिकाएं पढ़ती है, तो बताइए विद्यालय में कुल बालक बालिकाओं की संख्या कितनी है। जब किसी प्रश्न में ये कुल लिखा है, इसका मतलब होता है जोड़ना दोनों को। तो हमने लिखा है विद्यालय में बालक कितने बालक हैं, ये 25, ये पहले विद्यालय में बालक ऐसे लिखो 25, विद्यालय में बालक 25, बालिकाएं किसने कितनी है 47, ये 47, इसी के नीचे लिखना आपको 47, इकाई के नीचे इकाई और दाई के नीचे दाई, फिर जोड़ का चिन्ह लगाना। ये चिन्ह लगाना बहुत जरूरी है, अगर चिन्ह लगाना भूल गए तो कोई समझेगा आपने जोड़ किए है या बाकी किया, गुणा किया या क्या, पता नहीं चलेगा। चिन्ह लगाने से पता चल जाएगा कि ये जोड़ का चिन्ह है, जोड़ किए। तो फिर विद्यालय में कुल छात्र दोनों को जोड़ेंगे तो विद्यालय के कुल छात्र आ जाएंगे, बालक और बालिकाओं की संख्या जुड़ जाएगी, विद्यालय के कुल छात्र आ जाएंगे। तो जोड़ करते हैं 5 और 7 की तरीके से, आपको पहले बताया इनका एक को जोड़ना, पहले 5 और 7, 5 के बाद 7 देखो, 5 के आगे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कितने हुए 12, देख देख लेना ऐसे। तो 12 का इकाई अंक तो यहाँ लिखो, जो शेष बचा है उसको दाई अंक के ऊपर हासिल के रूप में। अब 2 के बाद 1, 3 के बाद 4 होंगे, 3 से आगे 4, 5, 6, 7, कितने हुए 7, ये 7। तो विद्यालय के कुल छात्र कितने होंगे 72, विद्यालय में कुल छात्र होंगे 72। इस तरह बड़ी आसानी से आप जोड़ कर सकते हैं। इसी तरह हमारा 8वां प्रश्न है, वो एक दुकानदार ने पहले दिन 75 टीवी बेचे, एक दुकानदार ने पहले दिन 75 टीवी बेचे, दूसरे दिन 37 टीवी बेचे, बताओ 2 दिनों में कुल कितने टीवी बेचे। इसमें भी कुल आ गया, तो आपको पहले दिन आए दुकानदार ने पहले दिन टीवी बेचे कितने 75, दुकानदार ने दूसरे दिन टीवी बेचे कितने 37, 2 दिनों में कुल टीवी बेचे, 2 दिनों में कुल टीवी बेचे, कुल का जोड़। हम पहले इकाई से शुरू करेंगे, जोड़ का चिन्ह लगाए, इसे आप पहचान लेंगे यहाँ जोड़ करनी है। तो 5 के बाद कितने कितने हैं 7, ये 7, 5 से आगे बोलो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कितने हुए 12, ऐसे 12 लिख दो, इकाई अंक के नीचे इकाई को लिख दो और जो शेष बचा उसको हासिल के रूप में लिखो। 7 के बाद 1 लिख दो 8, 8 के बाद 3 गिनने 9, 10, 11, कितने हुए 11, आगे संख्या नहीं है तो हम 11 में 11 लिखेंगे, अगर आगे संख्या होती तो 11 का यहाँ 1 लिखते, 1 ऊपर चला जाता। तो इस तरह हमने प्रश्न 7 और 8 किए। अब आगे 9वां प्रश्न वो कहेंगे, 9वां प्रश्न है वो भी ऐसे ही है, जोड़ का है। तो इस प्रश्न में जितने प्रश्न है वो सभी जोड़ के हैं, यानी कुल का जोड़ और शेष दिखाए इसका मतलब है बाकी करना। आगे हम 9वां प्रश्न कर रहे हैं, 9वां प्रश्न है, एक गुब्बारे वाले के पास 19 गुब्बारे लाल, एक गुब्बारे वाला है उसके पास 19 गुब्बारे लाल होंगे, 25 गुब्बारे पीले हैं, तो बताओ उसके पास कुल कितने गुब्बारे हैं। तो लिखो यहां लिखना आप ऐसे, गुब्बारे
वाले के पास लाल गुब्बारे। अब गुब्बारे वाले के पास लाल गुब्बारे कितने हैं? अभी बताया मैंने 19। कितने हैं? 19। ये संख्या ऐसे सुंदर अक्षरों में लिख दो। फिर नीचे देखो, गुब्बारे वाले के पास पीले गुब्बारे, पीले रंग, दो रंग के हैं पीले गुब्बारे। अब उसके पास पीले गुब्बारे हैं वो है 25। अब ये संख्या जब लिखे ना आप, इसके नीचे आनी चाहिए इकाई के नीचे इकाई, दाई के नीचे दाई, और फिर जोड़ का चिन्ह, ये चिन्ह लगाना नहीं भूलना है। नीचे देखोगे गुब्बारे वाले के पास कुल गुब्बारे, यहां कुल गुब्बारे हम जोड़ेंगे तो कुल आ जाएंगे। उसके पास कुल कितने गुब्बारे हैं बराबर, तो जोड़ो इधर से, इकाई इधर से शुरू, आपको पता हुआ है 9 के बाद कितने गिने 5, 9 से आगे गिनो 10, 11, 12, 13, 14, कितने हुए 14, ऐसे लिखे देख लो 14, कहीं कहीं के नीचे 4 लिख दो, पीछे क्या बचा ये, इसको आंसर के रूप में लिख दो। 1 और 1 कितने हुए 2, 2 और 2 4, सीधी सी जोड़ रही है। तो गुब्बारे वाले पास कितने गुब्बारे हुए 44। इस तरह आगे 10वां प्रश्न है वो भी करते हैं आज, प्रश्न 10। पहले प्रश्न को सही समझना, एक चरवाहे के पास 15 ऊंट, कितने ऊंट 15, 10 गधे और 16 बकरियां हैं, बताओ चरवाहे के पास कुल कितने पशु है। इसमें 3 अंक की जोड़ हो जाएगी, यहां देखो लाइन इसको पहला प्रश्न होते ही, फिर अगला प्रश्न, चरवाहे चरवाने वाला हो, जो पशु को चरवाता है ना उसे कहते हैं चरवाहे, चरवाहे के पास ऊंट, चरवाहे के पास ऊंट कितने हैं, ऊंट की संख्या है 15, ऐसे स्कूल लिख दो, फिर नीचे लिखो चरवाहे के पास गधे, कितने हैं गधे, वो संख्या इसके नीचे आनी चाहिए 10, इकाई के नीचे इकाई, दाई के नीचे दाई, और चरवाहे के पास बकरियां, चरवाहे के पास बकरियां, ये पशु आगे 3 पशु है उसके पास, बकरियों की संख्या है 16, और लाइन खींच दो, जोड़ का चिन्ह लगा दो, इसका मतलब जोड़ करना कुल, यहां देखो चरवाहे के पास कुल पशु, जोड़ करेंगे तो कुल पशु की संख्या आ जाएगी। अब ये पहले इकाई लाइन जोड़ो, इसमें कितनी लाइन हो, पहले इकाई लाइन जोड़ना 5 0 6, 0 का मतलब कुछ नहीं, 5 के बाद कितने गिने 6, 5 से आगे जोड़ो 6 7 8 9 10 11, कितने हुए 11, ऐसे लिखते हैं 11 का एक आंसर कर गए 1 1 2 3 4, कितने हुए 4। तो ये लो चरवाहे के पास कुल कितने पशु हुए 41। इस तरह आज अपने 4 प्रश्न हल किए, 4 में जोड़े हैं, आप जोड़ हमेशा इकाई अंक से शुरू किया करो ताकि गलत नहीं, अगर आपने इधर से शुरू की तो आपकी जोड़ गलत हो जाएगी, इकाई अंक से शुरू करेंगे और जो हासिल होती है दाई अंक वो दाई अंक के ऊपर लगा देते हैं, इस तरह आपकी जोड़ बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में